सलामुअलैकुम। फाइबर की वीडियो ट्रेनिंग का हमने जो कोर्स शुरू किया हुआ है उसका आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, मैं तकरीबन ज़्यादातर काम आपको सिखा चुका हूँ। हमने किस तरह के फाइबर पर अकाउंट बनाना, फाइबर है क्या और उस पर हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और जो टिप्स वगैरह थी वो भी मैंने आपको दी। मज़ीद अभी हमारी और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा अपनी वेबसाइट पे। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंप्लीट सीखने के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी अर्निंग के बहुत से तरीक़ेकार मैंने बताए हुए हैं, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप चीज़ें तो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो वो शेयर करने के साथ साथ आप उससे कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, वो भी तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ है। तो अपने अकाउंट को ओपन कर लेते हैं और फाइवर पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइन के बारे में बताया था। इसके अलावा अगर आप फोटोशॉप आपको आता है तो आप यहाँ पर बहुत से काम कर सकते हैं, और अगर आपको अडोब फोटोशॉप नहीं आता तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, वाकई ही अडोब फोटोशॉप ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे पेंट है, पेंट जो है वो मतलब कि एक बेसिक सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग का, उसमें तो हम चाहे कोई इमेज छोटी मोटी क्रिएट भी कर सकते हैं। पेंट सबसे बेसिक है इमेज एडिटिंग में, और अडोब फोटोशॉप जो है वो एक रेक्टर बेस्ड ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है और ये लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसमें सिंपल से टूल्स हैं। लास्ट टाइम मैंने जो पार्ट 3 मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको मतलब कि एक जो था क्या उसका नाम है, हमने एक लोगो बनाया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक लोगो मैंने दो दो लोगो सॉरी मैंने एक नहीं दो लोगो आपको बनाकर दिखाए थे। चाहे वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाए थे, लेकिन आपके सामने ही उस वीडियो में तकरीबन मैंने मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में एक लोगो तैयार कर लिया था। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, दो फोटो जो बहुत ईजी है। अगर आप सीखना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर आइए और यहाँ से आकर ग्राफिक में आप अडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर आप मेरी वेबसाइट से चीज़ें सीखते हैं तो आप फाइबर से भी मतलब कि काम कर सकते हैं, और वैसे भी ये स्किल्स हैं सारी ज़िंदगी आपके काम आएगी। ये कोई मतलब कि वक्त ज़ाया करने वाली बात नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने लोगो डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको सिखाया था, आज मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूँ। देखें अब मतलब कि मैं आपको एक एक चीज़ को सिखाने पे रहा, ठीक है, इसमें आपका भी वक्त ज़ाया होगा। मसलन आपने पता नहीं कौन सा काम करना है और मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊँ, ये भी दिखाऊँ, ये भी दिखाऊँ, तो ये चीज़ नहीं है। मैंने आपको इसकी बेसिक बता दिया कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ काम कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं होती, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ अगर आपके पास कोई स्किल है फिर आप काम करेंगे तो आपको एक रिजनेबल अर्निंग होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर यह है कि जाहिर है जिस तरह का काम होगा उसी तरह की मतलब कि हमारी अर्निंग होगी। अगर आप कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो जाहिर है फिर अर्निंग कम होगी। तो खैर, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, यहाँ पर बहुत से काम हैं, मतलब कि आप आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं और फैन पेजेस, कीवर्ड रिसर्च है, SEO है, बहुत से काम है। SEO तो खैर आ जाता है वेब डिज़ाइनिंग में, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ टिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देनी होती हैं। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है ये। गेट ट्रैफिक यानी कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक किस तरह से ला सकते हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार मैंने आपको यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप देखें जैसे वीडियो और एनिमेशन है, एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर एडिटिंग है, अगर आप एडिटिंग वगैरह ये सीखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आइए। और ग्राफिक्स में आपको विंडोज़ मूवी मेकर तो खैर आप ना सीखिए, सीखना चाहें सीख लें, ये भी मतलब कि आपके इल्म में इजाफा होगा। विंडोज़ मूवी मेकर जो है वो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और ये बेसिक है, सबसे बेसिक जो है विंडोज़ मूवी मेकर है। और मैंने एक वीडियो कोर्स तैयार किया हुआ है, यू लीड वीडियो का, ठीक है, यू लीड वीडियो स्टूडियो, उसका मैंने कोर्स तैयार किया हुआ है, वो लेटेस्ट वर्जन है और बहुत ही ईजी है। आप लेकिन आपको जाहिर है सीखना तो पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं ऐड कर दूँगा। आप मेरी जब ये वीडियो देखेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर यू लीड भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, आपको वो मिलेंगे, तो वो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो एंड एनिमेशन में भी आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और बहुत सी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत से काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए वर्डप्रेस है और भी मतलब कि वेब डिज़ाइनिंग भी है, वेबसाइट बिल्डर्स हैं, यानी कि
वेबसाइट हम मतलब कि बनाकर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो बहुत से काम है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। लेकिन कुछ आज मैं आपको एक काम ऐसा बता रहा हूँ जिसमें कि मतलब कि स्किल्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिखा देता हूँ, इनमें से बहुत से काम हैं, आप बहुत से काम कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ डोमेन रिसर्च के बारे में, ठीक है, डोमेन रिसर्च के बारे में। डोमेन रिसर्च को हमने ओपन किया और ये डाउनलोडिंग को मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हमारे फिर नेटफ्लिक्स जो है कम हो जाएगी। जी जनाब, यहाँ पर देखें जो हाई रेटिंग जो दिखते हैं उन्हें हम देख लेते हैं उनमें से किसी को। ये देखिए यहाँ पर इसने शुरुआत में लिखा हुआ है कि 3 बेस्ट SEO फ्रेंडली डोमेन नेम। SEO फ्रेंडली डोमेन नेम सब कौन से होते हैं, अब ये चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ अपने ब्लॉगर के वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में, तो मैं दोबारा से तो नहीं सिखाऊँगा, ठीक है। अगर आप मतलब कि SEO के हवाले से देखें ये SEO फ्रेंडली वो कैसे उसने पिक किया है, वो इस तरह से कि आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में जाके ये सारा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप मतलब कि अपनी वेबसाइट का या कोई भी आप टाइटल चूज़ कर रहे हैं या आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाहिर है वो भी फिर आप वही लिखेंगे, और इसके अलावा पामा लिंक जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं SEO फ्रेंडली, ताकि सर्च इंजन जो है उसे जल्दी पिक करे, उसमें फिर हम हाई रेटिंग देखते हैं जब कंपटीशन होता है, और लो कंपटीशन देखते हैं जब फिर कह लें कि स्टैंडर्ड लेवल के कीवर्ड पिक करते हैं वहाँ से, या फिर हम लो लेवल के कीवर्ड पिक करते हैं ताकि हमें फिर कंपटीशन ही ना करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल यहाँ पर देखें मुख्य गिग्स हैं जो हाई रेटिंग है, इनमें से किसी एक से हम आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जो काम का तरीकाकार मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, जो भी कैटेगरी में आप काम करेंगे उसी तरह से करेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ से कोई भी इमेज या डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। और जब भी आप पिक बनाएं तो उसमें हाईलाइट लाजमी करें, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है और बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। बोल्ड अटैलिक की ऑप्शन को भी इस्तेमाल करें, बोल्ड और अटैलिक भी हाईलाइट ही होते हैं। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट में जब कोई मतलब कि पोस्ट लगाते हैं तो उसमें भी हम इसी तरह से मतलब कि हाईलाइट करते हैं। और यहाँ पर देखें लोगों ने कमेंट भी किए हुए, हर किसी ने मतलब कि इनकी तारीफ की है। जाहिर है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मतलब कि जो आपका कस्टमर होगा वो आपकी तारीफ भी करेगा। अब इसमें देखें आप जब अपनी गिग बना लेंगे तो काम कैसे करेंगे। काम करने के लिए मैं आपको इस कैटेगरी में मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैं डोमेन रिसर्च कि आपने काम कैसे करें। डोमेन रिसर्च में आपने उनको वेबसाइट के SEO फ्रेंडली नेम देना होते हैं, वो आप कितने नेम देना चाहते हैं, क्या आप मतलब कि प्रोग्रामिंग करते हैं वो आप डिपेंड करता है। यहाँ पर एक वेबसाइट है लीन डोमेन सर्च, ठीक है, लीन डोमेन सर्च, इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और जिस कैटेगरी की आपको मतलब कि डोमेन नेम चाहिए उसका आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मूवीज़ की मतलब कि वेबसाइट बनानी है, तो मैं यहाँ पर जस्ट टाइप करूँगा मूवी और सर्च डोमेन, तो जो डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने निकाल देगा। 2534 रिजल्ट उसने हमें दिए हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है। ये तमाम डोमेन नेम हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी मतलब की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, बेशुमार नाम है, ठीक है। और ये देखें जितने भी नाम हैं ये SEO फ्रेंडली हैं, मतलब कि बहुत लॉन्ग नहीं है, सिर्फ दो दो इसमें वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं ओनली, तो ये SEO फ्रेंडली नेम्स हैं। मज़ीद आप इनकी जो मतलब कि रैंकिंग है और जो कंपटीशन है वो फिर आप गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, वो जो कि मैंने ब्लॉगर के वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में शुरू में मैंने सिखा दिया था, ठीक है, वहाँ पर जाके आप प्लान कर सकते हैं। जिस किसी का जिस चीज़ का भी हमें कंपटीशन सर्च करना होता है वो हम वहाँ से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नेम अवेलेबल है और परचेज कहाँ से करने हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप गूगल में आएंगे और गूगल में आने के बाद आप टाइप करेंगे डोमेनर DOMAINER डोमेनर डोमेनर जस्ट आप टाइप करेंगे domainer.com, ये वेबसाइट है, इसे आप ओपन कर लीजिए।
और यहाँ पर आपने वो डोमेन का जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करके आपने सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक नेम पिक कर लेता हूँ, जैसे कि मूवी फोर्स। मूवी फोर्स को ओपन किया और इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट है कॉपी की, और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। और देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ मतलब की आ चुकी हैं, मूवी फोर्स डॉट पी के में भी है हमारे पास, डॉट कॉम में है, डॉट कम्युनिटी है, डॉट कंप्यूटर है, डॉट टेक्नोलॉजी है, डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी, मतलब कि अपडेट मार हमारे पास ये जो वो हमें बता रहा है जो अवेलेबल है, ठीक है, जो डोमेन हमारे पास अवेलेबल है। और इन्हें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डॉट नेट को पिक कर लेता हूँ, और यहाँ मोर परचेज ऑप्शन, यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ से हम ये जो मतलब के ऑप्शन हैं यहाँ से हम इन्हें परचेज कर सकते हैं। जो डोमेन नेम हमें वो शुरुआत में बता रहा है वहाँ पर मतलब के वो हमें कैच कर रहा है कि यहाँ से खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गो डैडी को ओपन कर लेता हूँ, जी जनाब, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, और ये हमें इसकी तमाम नीचे यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो यूआरएल है, ठीक है, जैसे कि आप नेम तो उन्हें बता देंगे, और जहाँ पर अवेलेबल है कोशिश करें कि इनके यूआरएल को कॉपी करके ये यूआरएल भी आप अपने कस्टमर को मतलब के फ्राहम कर दें। तो इस तरह से आप मतलब के इस काम के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो इस तरह के काम भी यहाँ पर हैं, मज़ीद भी मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि अगर रह रहा है आपने जो काम करना है तो आपको पहले से आना चाहिए, और तरीक़ाकार तमाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ काम है, कोई भी काम आप कर सकते हैं, राइटिंग है, लेकिन पहले भी मैंने आपसे आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, और फिर भी कि आप जो काम करें पहली चीज़ तो ये कि आप वो काम सेलेक्ट करें जो आप वाकई कर सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्टिकल का काम पकड़ लें, ठीक है, और वहाँ पे आप लिखते हैं कि जी मैं 700 वर्ड्स का SEO फ्रेंडली आर्टिकल आपको लिख के दूंगा, और बाद में जनाब आपसे लिखा ना जाए। तो इस तरह का काम ना करें, वो काम करें जो आप कर सकते हैं, और उसका रेट भी उतना ही रखें, ना रेट कम रखने की ज़रूरत है ना ज़्यादा। ये ना हो कि काम आप बहुत ज़्यादा करके दें और रेट आपने बहुत कम रखा हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको आपने मैनेज करना, और जो काम आप नहीं कर सकते उसकी आपने गिग बिल्कुल नहीं बनानी। अदरवाइज़ जब कोई मतलब कि कस्टमर आपको ऑर्डर दे देगा तो फिर आपसे काम जो है वो होगा नहीं, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही परेशानी का बायस होगा, और उसमें फिर आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होगी, और उसने जो मतरा उसने तो पैसे पे कर दिए होंगे तो वो फिर उसे वापस करने में या ऑर्डर कैंसिल करने में उसे भी मुश्किल होगी, और आपके अकाउंट के ऊपर भी नेगेटिव मार्केटिंग होगी। ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है, और अगर आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे एक दफ़ा कहूँगा कि आप मतलब कि वेब डिज़ाइनिंग सीखिए, और अगर आप ईजी काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मतलब कि ग्राफिक में दो फोटोशॉप सीख सकते हैं, यू लीड सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के काम आपको आने चाहिए, फिर ही आप एक रीजनेबल अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि भी जस्ट क्लिक करके हैं छोटे मोटे काम करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, मे बी के फाइवर एक मतलब कि रियल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बगैर किसी स्किल के आप थोड़ी बहुत ही अर्निंग कर सकते हैं, स्किल्स आपके पास होंगी तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, अभी हमारे बहुत से टॉपिक रहते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।